हेलो स्टूडेंट्स, आज टॉपिक आमर क्लास इलेवेन्थ कमर्स लॉगरिथम चैप्टर आम आज डिस्कशन करवा। लॉगरिथम तुम्हें जाथ जो हूँ तुम ये गोटे चैप्टर एटा ये सब चैप्टर को टे सपोर्ट दबो मीनस तुम्हें जितने आग को पाठ पढ़ जो भि तुम अच्छे कंपाउंड इंटरेस्ट है एन्युटीज है से कौन हम ना तुम्हें लॉगरिथम की यूज करके से टाइप रो प्रॉब्लम को तुम्हें सॉल्व करिबो ता माने तुम्हें एथर तुम आईडिया आसी हो लॉगरिथम को आम कौन करना कि बड़ बड़ प्रॉब्लम बा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिबारे आम यूज करूँ ता माने ये आम तुम यह प्रोसेस बुझीपर यहाँ गोटे मानने मेथड हो पारे गोटे टेक्निक पारे जोटे कौन कर ना किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इजी फॉर्म रे आमे ताको सॉल्व करि परबा तो ताहले सेतिकी तो जिनस को माने बड़ बड़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करि बारे जे हमको हेल्प करिवो निश्चित तो तेणु कर आगे तो लॉगरिथम कोन हमको बुझिवार अछि लॉगरिथम रे के भली आमे ताको अप्लाई केमति करिवा तो ये जो मेथड हैला किंबा प्रोसेस हैला जहाँ तुम्हें बुझ तो कौ प्रोसेस तुम्हें आपको अप्लाय कर ना नहीं टेक्निक गोटे थे तो आमको अप्लाय कर जिनसा तो जाना थी दरकार तो से किसी बेसिक जिनस आमको लॉगरिथम विषय जाना अच्छी ओके ताने तुम्हें को बुझनी जेटा गोटे कष्ट चैप्टर बोली कष्ट नुहे बास ये ये चैप्टर को जाणीगला तुमको दुई तीन टा चैप्टर इजी होमती इजी हो ना ये यहाँ गोटे बास गोटे मेथडटा प्रोसेसटा गोटे टेक्निकटा तुम्हें यह किसी गोटे सेन्स बुझ जे हूँ कौन कर तुमको सपोर्ट दब कि बड़ बड़ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हेल्प कर मानने सॉल्व करिवारे तुमको हेल्प कर बहुत बड़ बड़ फिगर है ताको आम मानने इजिली आम सॉल्व कर पारिबा देख कौन लेखा अच्छे आम आराम से पढ़वा आ चैप्टर को तुम्हें स्लोली स्लोली मैंने जिनस को आगे थोरली थियोरिटिकल जिनस को मैंने धरवतापर यार जिते क्वेश्चन देखिए प्राक्ट कर ओके काल्कुलेसन टी रही आओ किसी जिनस भी तुमको आपोकापे जना पड़ मैंने जे कौन हम कौन ना फिर भी तुम्हें आगुरी जाच ये विषय कि पढ़ी थो मैंने आकचुअली लगार दिम बोली कौन तुम्हें न पढ़ी थे सुधा तुम्हें या विषय आगुरी किसी ना कौ जगह पर तो यूज कर देखा मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स कौन अच्छी फास्ट मीनिंग कौन अच्छी ता विषय आम बुझा कौन लेखा अच्छे देखी पार्थ द टर्म लॉग मीन्स इंडेक्स और पावर ओके ताने लॉग मीन्स कौन कह गए इंडेक्स हो पारे और गोटे पावर हो पारे ऑफ ए गिवन बेसिक वैल्यू मीन्स बेस वैल्यू बोली बुझ ओके बेस वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए डिजायर्ड वैल्यू जमी तुमको एग्जांपल कहि 2^3 इज इक्वल टू 8 ता माने 2 को जदि आमे 3 टाइम्स इंटू करिबा रिजल्ट केते आसीबो 8 आसीबो तो एठी जदि आमे 2 को कहिबा बेसिक वैल्यू तार माने एठी उठे कोन होचे जो नंबर टा रहला 3 अछि लॉग नंबर तो तार रिजल्ट डिजायर्ड नंबर टा कोन आसला 8 आसला माने रिजल्ट कोन आसला 8 आसला तो ये यही किसी जिनस आमको देखा मिले तो इंडेक्स और पावर ऑफ ए गिवन बेसिक वैल्यू दैट प्रोड्यूस ए डिजायर्ड वैल्यू ताने डिजायर्ड वैल्यू कैसे आसला ये आसला द नंबर और वैल्यू इफ द बेसिक वैल्यू गिवेन इज 2 मुझे जस्ट कहूली जो एंड द डिजायर्ड वैल्यू इज 8 डिजायर्ड वैल्यू दे देखे देन द लॉग इन द क्वेश्चन वुड बी 3 मुझे जो एग्जांपल कहली तुमको कौन कहली ना मनकर क्वेश्चन रे बेस वैल्यू दे इज इक्वल टू लेखा अच्छे एटी एक्स लेखा अच्छे इज इक्वल टू 8 अच्छी ता माने तुम यहाँ है कौन बेसिक वैल्यू देन है तुम डिजायर्ड वैल्यू ताले एटी लॉग नंबरटा के आसो ताले 3 आसो ऑब्वियसली आम जाणीगले 2^3 इज इक्वल टू 8 तो ये यही टाइप रिच्छी जिनस आमको फेस कर आमको देखा मिले ओके देन द लॉग इन द क्वेश्चन वुड बी 3 इन आज मच आज 2^3 इज इक्वल टू 8 आम ये जिनस अलरेडी आगुरी जानी आम स्को मानने पावर वैल्यू ये वैल्यू सब आम 10th 9th ये क्लास तुम कौन पढ़ी न थो पढ़ी थो निश्चित सिमिलरली इफ द बेसिक वैल्यू इज 3 जी बेसिक वैल्यू 3 हो एंड द डिजायर्ड वैल्यू इज 81 चिंता कर तेल बेसिक वैल्यू है 3
थ्री टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू कौन लिखा है ए टू वन लिखा है तेल एटा के फोर ही आस थ्री टू दि पावर फोर इज इक्वल टू ए टू वन ओके तो ये तो तुम्हें जाच तमें थ्रीटा को फोर टाइम्स इंटू कले के भैल्यू एट वन आसो ओके देन द रिक्वायर्ड लॉग नंबर हूँ के फोर तेल तो एति रु तुम तो जाणी जाइ जे लॉग नंबर आम क्या कौन आ बेस नंबर क्या कौन बेसिक भैल्यू क्या कौन आजार्ड भैल्यू क्या कौन ओके तो मु साधारण जिनस ये तो तुम्हें जाणीगल एगेन इफ द बेसिक भैल्यू इज टेन बेसिक भैल्यू टेन दे आउ द डेजर्ट भैल्यू हूँ वन लाख ताले चिंता करो बेसिक भैल्यू के टेन टेन टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू डेजर्ट भैल्यू के वन लाख दे टेन रते पावर हेले तुम आसो के वन लाख आसो ओके टेन टू दि पावर फाइव तेल टेन को फाइव टाइम्स इंटू कले तार भैल्यू के वन लाख सहित इक्वाल होके मीनस वन लाख हो ये तो जाणीगले ताले गोटे रोइबो बेसिक भैल्यू रोइबो माने बेस बोली आम कौन आ नंबरटा आम नम जोटा लॉग नंबर एटा लॉग भैल्यू एटा है तुम डेजर्ट भैल्यू ओके एतिक तो आम जाणीगले द लॉग दस एक्सप्लेन एबो एक्सप्रेस आज द लॉग ऑफ ए डेजर्ट नंबर टू ए गिवन बेस दस इन द एबो थ्री एग्जाम्पल द रेस्पेक्टिव एक्सप्रेसन वुड बी थ्री फास्ट कौन आसला थ्री आसला लॉग ऑफ द नंबर एट टू द बेस टू ओके सेकेंड रे एग्जांपल ऊपर जो देते के फोर आसला थर्ड रे तुम आसला फाइव आसला ओके इट मे बी नोटेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम वाज इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बाय द फेमस मैथमेटिशियन जोहन नेपियर ओके देख पारु 1557 रु 1610 ता माने ऑलमोस्ट आमर देखा गले के बर्ष 400 वर्ष 400 नुहे 400 वर्ष माने नुहे तुम हूँ पाखापाखि ताठू अधिक होगा ओके यहाँ है तुम 2022 है ना देख 400 इयर्स तमें सेत सी जिनस को बुझी जाते 400 वर्ष पूर्वर 350 वर्ष 60 वर्ष पूर्व तेल एवं आम भी तो बुझीपर दरकार ना चिंता कर एंड सब्सिक्वेंटली सी तो बाहर करते द सब्सिक्वेंटली इट वाज डेवलप्ड बाय अनदर फेमस मैथमेटिशियन देख फास्ट तो कनसेप्टा को बाहर करते जॉन नेपियर देन से जिनसा को आउ टे डेवलपमेंट किए कले ना हूँ हेनरी ब्रिथ ओके 1561 रु 1630 से तार भितर से के दिस कॉन्सेप्ट प्लेज द वाइटल रोल इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली इन द बिजनेस मैथमेटिक्स पर्टिकुलरली इन द बिजनेस मैथमेटिक्स ओके मैथमेटिक्स इज ए हेल्प लाइक ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट सॉल्विंग द स्टुपेंडियस प्रॉब्लम माने बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करिवारे कौन कला हमको सपोर्ट कला माने गोटे इंस्ट्रूमेंट भाया आम यूज कले जमी गोटे गच्छ काटूँ से मत गोटे मानने काटापी से किसी गोटे कटोरी मैंने टी भल धारा थी कटोरी मिलला तेल कौन हम शीघ्र मुझेपरि ओके कि पथर को भांगूँ से किसी जिनस मत दरकार तो गोटे ये मध्य से भाया गोटे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट भाया आम यूज करजनेस मैथमेटिक्स बड़ बड़ प्रॉब्लम को सल्व करने एबे एबे तो आईडिया आसी जाइए तुम मानक ये लगारदेवी कौन बाउ पर्पज पढ़ुं इनवल्विंग द मल्टीप्लिकेशन डिविजन इनवल्यूशन पावर इवल्यूशन रूट ओके तो यही सब क्षेत्र में आम बेसिकाली यूज करुं ये है तुम कौन लगारदेवी बेसिक कनसेप्ट मैंने लग जदि तुम्हें भलसे बुझीगल ताले तुमको आगु को किछिटा कॉन्सेप्ट परे बा केचुटा टॉपिक परे तुमको इजी हे जीव बड़ बड़ प्रॉब्लम को सॉल्व करिवारे ओके गला देन थ्योरी टिके भल से पढ़ी देव जत्ते तुम्हें रीडिंग मारिबो सेते तुम पई बेस्ट ओके फ्रॉम द एबव मीनिंग द टर्म लॉग और लॉगरिथम कैन बी डिफाइंड एज एन इंडेक्स और ए पावर ऑफ ए बेसिक वैल्यू टू हुई सेट टू द बेसिक वैल्यू इज रेज टू प्रड्यूस ए डेजर्ट नंबर आमको कौन दरकार गोटे तीन टा तो जिनस गोटे बेसिक वैल्यू आ गए डेजर्ट नंबर आ गए कौन आसम लॉगटा ओके जोटा आम पावर एक्स नौ
बाहर कला बेले ओके द थ्री क्वांटिटी क्वांटिटीज क्वांटिटीज बी मैंने बेस एक्स एंड एन आर रिलेटेड टू टू बी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू एन बी हूँ बेस एन है तुम जो डेजर नंबरटा एक्स है तुम कौन लॉग ओके एक्स इज द लॉग ऑफ द नंबर एन एंड द बेस बी और एक्स है टू बी द लॉग ऑफ द बेस बी टू प्रोड्यूस ए डिजाइन नंबर एन एक भल से तुम्हें पढ़ी मन रखिबो ओके गला कैरेक्टरिस्टिक्स कौन माने ता फीचर कौन लॉगरिथम जोटा आम पढ़ुं लॉग जोटा तार फीचर्स कौन अच्छी ओके फास्ट जिनस तो ये कौन हो ना कनसीस्ट एन इक्वेशन इनवल्विंग थ्री फैक्टर्स तीन टा फैक्टर एथेर रहउछि गुटे हला बेसिक वैल्यू आ गोटे हला कौन तुम्हारो डेजर्ट वैल्यू जोटा मैंने देखुंत आम आउ गोटे हूँ पावर वैल्यू माने ए टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू कैसे एन एन हूँ तुम कौन है डेजर्ट वैल्यू ए है बेसिक वैल्यू बा बेस आउ एक्स हूँ तुम नंबर लॉग नंबर गला ये तो आम जानते सेकेंड पॉइंट सेकेंड पॉइंट रे कौन लेखा अच्छे सेकेंड फीचर्स कौन अच्छे देखिया ना इट इज एक्सप्रेस एट द लॉग ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस ऑलरेडी तो आम जानते जिनस कौच इट इज एक्सप्रेस एट द लॉग ऑफ ए नंबर टू ए गिवन बेस बेस तो थी जमी आम देखिले ओके लेखा अच्छे तो कौ भाई रीड भी मार मन कर यह लेखा अच्छे लॉग एन टू द बेस ए इज इक्वल टू एक्स रीड आज कौन आज ए लॉग ऑफ द नंबर एन टू द बेस ए इज इक्वल टू कैसे एक्स यह तो लेखा अच्छे लॉग एन बेस ए इज इक्वल टू कौन एक्स यह तो आम पढ़ुं ओके थर्ड पॉइंट इन इक्वेशन ए टू दि पावर एक्स एन कैन बी ट्रांसफर्म इन टू इक्विवेलेंट इक्वेशन ऑब्वियसली हमें ट्रांसफर कर पारटा को किसी तो असुविधा हेनी ट्रांसफर मान कौन कल मनकर मुझे लिखिली ए टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू एन तेल एन टाक तो मुझे नहीं पारि ना एन टू ए टू दि पावर एन इज इक्वल टू कैसे हम एक्स हम तो सी लिखा देख टू टू दि पावर इज इक्वल टू के 32 तेल मुझे ये लिखिपर ना फाइव इज द लग टू टू दि पावर 32 ओके ताको ये आम लिखिपर और 32 इज द एंटी लॉग ऑफ टू टू दि पावर 5 ये एंटी लॉग कॉन्सेप्ट आम आगे गले बुझा आगे अच्छे तुम भलसे आम से बुझा एंटी लॉग कॉन्सेप्ट से तुमको इजी हम बुझापी एंटी लॉग किसी बड़ कॉन्सेप्ट नुहे आम आराम से बुझीजा ओके गला ये जिन तुमको जना अच्छी आम जान देखिक आसे लास्ट पॉइंट कौन अच्छी इफ द इट्स वैल्यू फॉर द सेम नंबर बिकम डिफरेंट इन रिलेशन टू द डिफरेंट बेस ये तो सत कथा अरे आमर जदि बेस चेंज हो ताले कौन हम नंबर भी तो चेंज हो ना से लिखाई इट्स वैल्यू फॉर द सेम नंबर बिकम डिफरेंट इन द रिलेशन टू द डिफरेंट बेस जमी एग्जांपल मु कहूँ देख ये कहे आम देखले कौन कहे देख फॉर एग्जांपल लॉग ऑफ द नंबर 81 इज 4 केत होता 4 3 टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू 81 आम देखी कौन 3 टू दि पावर 4 इज इक्वल टू 81 ताने 4 होता एक्सर वैल्यूटा 4 आसाला जदि मुझ चिंता कर ए तो आम ये लिखिले 3 टू दि पावर 4 इज इक्वल टू 81 बट इट्स 2 जितने बेस्ट जो बेस्टा 3 नहीं आमर आसला के 4 आसला रिजल्ट कितु बेस्टा जी मुझे टू ने यहाँ जी टू नहीं तेल कौन हम टू टू दि पावर 6 होटा टू टू दि पावर 6 इज इक्वल टू 64 हम मैंने बेस्टा मुझे चेंज करदेली 3 नहीं ए टू करदेली तेल टू टू दि पावर 6 इज इक्वल टू 64 बट इट इज 3 व्वेन इट्स बेस 4 तो ये जितने टू मैंने टू ने आमर कौन आसीगला टू टू दि पावर 6 इज इक्वल टू 64 गला एक तो आम जाने तापर जदि आम बेस 8 नहीं जावा तेल 8 टू टू पावर 8 रो स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे हम 64 तेल चेंज हो कथा कौन कौन कहे जदि बेस चेंज है ना तो नंबर भी चेंज होके ये तो आम भलसे पढ़ीदे कि प्रॉपर्टीज दे फीचर्स पढ़ले देन है प्रॉपर्टीज ये प्रॉपर्टीज गुड़ाक नॉर्मली यहाँ हूँ जमी कह 2+2 इज इक्वल टू 4 आम ये जिनस जानते सरी 2+2 इज इक्वल टू 4 तो ये जिनस तुम कौन जाना जाच ये से विषय मैंने किसी प्रॉपर्टीज लॉग रे तुमको बुझापी दे तो ये कौन कही लॉगरिथम ऑफ नंबर 1 एनी बेस इज इक्वल टू 0
ଦେଖ ଏଠି କହୁଛି ଏନି ବେସ୍, ଏ ଯେଉଁ ବେସ୍ଟା ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଠି ଟୁ ଅଛି, ଏଠି ଥ୍ରୀ ଅଛି, ଏଠି ଟେନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ ଯଦି ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ନମ୍ବର ୱାନ୍ ନେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ଆସିବ। କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଜିରୋ, ତା ମାନେ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଜିରୋ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ତାହେଲେ ସେଇ ୱାନ୍ ହିଁ ତ ହେବ। ଓକେ, ୱାନ୍ ହିଁ ତ ହେବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସେଠି ସେ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଠି ସେୟା ଲେଖିଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏନି ବେସ୍ ରେଜ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ଜିରୋ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ? ୱାନ୍। କହୁଛି କିଛି ବି ବେସ୍ ନେଇଯାଅ, ତା ପାୱାର ଯଦି ଜିରୋ ହେଲା ନା, ତା ରେଜଲ୍ଟ ସେ କ'ଣ ହେବ? ସେ ୱାନ୍ ହିଁ ତ ଆସିବ। ତେଣୁକରି କହୁଛି କିଛି ବି ବେସ୍ରେ ପାୱାର ଯଦି ୱାନ୍ ମିଶରି କୁହନ୍ତୁ ଲଗ୍ ଯଦି ୱାନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତା ରେଜଲ୍ଟ ଇଏ ବି ଜିରୋ ହେବ। ତା ମାନେ ସିମ୍ପଲି ତୁମର ବେସ୍ କିଛି ବି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାୱାର ଯଦି ୱାନ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ସେ ଲଗ୍ ନମ୍ବରଟା ଯଦି ୱାନ୍ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ଜିରୋ ହିଁ ଆସିବ। ଓକେ, ଗଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ନା, ଲଗାରିଥମ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟୁ ଦ ସେମ୍ ବେସ୍ ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍। କାହା ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍ ହେଇଯିବ? ୱାନ୍ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ୍। କହୁଛି ଲଗାରିଥମ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟୁ ଦ ସେମ୍ ବେସ୍, ବେସ୍ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ତା'ର କେବଳ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି? ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ଲଗ୍ ନମ୍ବରଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଇଏ ବି ଆସିବ କେତେ? ୱାନ୍ ଆସିବ। ବେସ୍ ଯେମିତି ଦେଖ, କହୁଛି ଲଗାରିଥମ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଟୁ ଦ ସେମ୍ ବେସ୍। ସେମ୍ ବେସ୍ ମାନେ କ'ଣ କହିଲ, ଯଦି ବେସ୍ ଟୁ ଅଛି, ମୁଁ ଯଦି ସେଠି ପାୱାର ବି ତୁମର ମାନେ ଲଗ୍ ନମ୍ବରଟା ବି ଟୁ ନେଲି, ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିବ? ୱାନ୍ ହିଁ ଆସିବ। ଏଠି ତ ସେୟା ଲେଖାଏ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲୁ ରେଜ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଉପରେ ତ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟୁ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୱାନ୍, ଓକେ, ତା ମାନେ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ଟୁ ହେବ। ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ, ଏଠି ସେୟା ଲେଖା ହେଇଛି। କହୁଛି ଦିସ୍ ବିକଜ୍ ଏନି ଭ୍ୟାଲୁ ରେଜ୍ ଟୁ ଦ ପାୱାର ୱାନ୍ ଟୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଦ ସେମ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ଓକେ, ଗଲା। ତାପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟେନ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ୱାନ୍ ହେବ। ମାନେ ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ ନା, ଏଇଟା ୱାନ୍ଟା ଏପଟକୁ ଆସିବ, ତ ଏଠି ଇଏ ବି ସେଇଆ, ତ ଏକୁ ଟିକିଏ ମନେ ରଖିବ। ଓକେ, ମନେ ରଖିବ କ'ଣ, ଏଇଟା ତାପକୁ ଏବେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଲଗ୍ ଟେନ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ? ୱାନ୍। ଓକେ, ଦ ବେସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ, ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଲଗାରିଥମ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ୱାନ୍। କହୁଛି ଯେଉଁ ବେସ୍ଟା ନା, ଲଗାରିଥମ୍ର ଯେଉଁ ବେସ୍, ଆମେ ଯେଉଁଟା ବେସ୍ ବୋଲି କନସିଡ଼ର କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଜିରୋ ନେଲେ ଏଠି ୱାନ୍ ନେଲେ ଏଠି ଟୁ, ଏଠି ଯେମିତି ଦେଇଛି। ଓକେ, କହୁଛି କ'ଣ, କହୁଛି ଲଗ୍ ଅଫ୍ ଦ, କହୁଛି ବେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଗାରିଥମ୍ ସମଥିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ୍, ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ନେଗେଟିଭ୍, ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ସରି ଜିରୋ ଅର୍ ୱାନ୍, ସମଥିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ୱାନ୍। କହୁଛି ତୁମେ କିଛି ବି ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ଜିରୋ ୱାନ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି। ଓକେ, ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ କହିଛି କ'ଣ ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଜିରୋ ରେଜ୍ ଏନି ପାୱାର ଗିଭ୍ସ ଜିରୋ। ଯଦି ତୁମେ ଜିରୋ ନେଲ, ଜିରୋର କିଛି ବି ପାୱାର ଦେବ, ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜିରୋ ହେଇଯିବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଜିରୋ ତ କେବେ ନିବନି, ତାପରେ ଜିରୋ ବି ଯିବନି, ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଜିରୋ ଅର୍ ୱାନ୍। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଲେଖିଲା, ୱାନ୍ ରେଜ୍ ଟୁ ଏନି ପାୱାର ଗିଭ୍ସ ୱାନ୍, ୱାନ୍ର କିଛି ବି ପାୱାର ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ଯେମିତି ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଟେନ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ? ସେ ୱାନ୍ ହିଁ ତ ହେବ। ତ ଓକେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛି ଫର୍ଦର, ଇଫ୍ ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍, ଇଫ୍ ଦ ବେସ୍ ବି ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଦେନ୍ ଦ ସଟନ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ମେ ବି ବିକମ୍ ଇମାଜିନାରୀ। ଯଦି ବେସ୍ ନେଗେଟିଭ୍ ହେଇଗଲା ନା, ଯେମିତି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଟୁ ଦି ପାୱାର ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଆସିବ? ମାଇନସ୍ ଏଇଟି, ତ ଏଇଟା ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ। ଓକେ, ତ ଏଠି ଇଏ ବି ସେଇ ଜିନିଷ, ନଟ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ। ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଦ ବେସ୍ ଅଫ୍ ଲଗାରିଥମ୍ ଇଜ୍ ସମଥିଂ ପଜିଟିଭ୍ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ଏ ଜିରୋ ଅର୍ ୱାନ୍। ଓକେ, ଇଏ ପଏଣ୍ଟଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ, ଦ ନମ୍ବର ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲଗାରିଥମ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସୁଡ୍ ବି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏ ବେସ୍ ରେଜ୍ ଏନି ପାୱାର ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ପଜିଟିଭ୍ରେ ଥିବ, କେବେ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏ ଜିନିଷ ଲେଖା ଅଛି ଏଠି, ଦ ନମ୍ବର ଫର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଏ ଲଗାରିଥମ୍ ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ସୁଡ୍ ବି ଏ ପଜିଟିଭ୍ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଦର୍ ଦେନ୍ ୱାନ୍। କାହିଁକି ନା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିକଜ୍ ଏ ବେସ୍ ରେଜ୍ ଏନି ପାୱାର ଡଜ୍ ନଟ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ଏ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର। ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଲ୍ଲୁଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବେ ଗଲା, ଏତିକି ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ ଥିଓରିଟିକାଲ କନସେପ୍ଟ, ଏବେ ଖାଲି ଗାଡ଼ି କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ଓକେ, ଏତିକି ତ ତୁମେ ଆରାମସେ ବୁଝିଯାଇଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖୁ ଥରେ ଦୁଇ ଥର ତୁମେ ରିଡିଂ ମାରିବ, ଗୋଟେ ଥରରେ କିଛି ଜିନିଷ ହୁଏନି, ଗୋଟେ ଥରରେ ବୁଝିଗଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ତାକୁ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଥର ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଓକେ,
ଯେତେ ପଢ଼ିବ ସେତେ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିବ ତୁମର ଗୋଟେ କିଛି ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକ୍ ପରେ। ତ ତେଣୁକରି ପଢ଼ିବ, ତା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ, କିଛି ଜିନିଷ ବୁଝି ନ ପାରୁଥିଲେ ବି ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ତ ଇଏ ଜିନିଷରେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମର କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯିବ। ଓକେ, ଥରରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହୋଇଯିବ ସେମିତି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, ହୁଏତ ବୁଝିଯାଇପାର, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ବୁଝିଗଲ ତାକୁ ଆହୁରି ବି ତୁମେ ରିଡ଼ିଂ ମାର। ଗଲା, ତାପରେ କିଛି କୋଶ୍ଚେନ୍ସ ଦେଇଛି, ଆମେ ତାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କରିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ତୁମକୁ ଠିକ୍ସେ ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି କି ନାହିଁ। ତାପରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ ଲଗାରିଥମ୍। ଦେଖ, ଏଠି କହୁଛି ତୁମେ ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମକୁ କନଭର୍ଟ କର, କିଛି ଏକ୍ସପୋନେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ମ ଅଛି ତାକୁ ଟିକିଏ ମାନେ ତୁମେ ତାକୁ କନଭର୍ଟ କର ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମକୁ। ଓକେ, ଏହା ତୁମେ କିଛି ଆଉ କ'ଣ, ଯେମିତି 2 to the power 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8, ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ସିମ୍ପୁଲ୍, ଏଠି ବେସ୍ ତ 2 ଅଛି ଆଉ 2 to the power 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 8 ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମକୁ ନେଲେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା, କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, 2 to the power 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 3, ଲଗ୍ 2 to the power 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, 2 to the power 8 ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଇଭଳି ପଢ଼ିବ, ତୁମେ କେଭଳି ପଢ଼ିବ ନା, ଲଗ୍ ନମ୍ବର 8 ଟୁ ଦ ବେସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3, ଏହା ପଢ଼ାଯିବ, ଲଗ୍ 8 ବେସ୍ 2 ଟୁ ଲଗ୍ 8 ଟୁ ଦ ବେସ୍ 2 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ 3, ବାସ୍। ତାପରେ ସେଇଭଳି 3 ର ସ୍କୋୟାର ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 9 ଅଛି, ତାକୁ ସେଇଭଳି ଲେଖିବ, କ'ଣ ଲେଖିବ, 3 ଲଗ୍ 9 ଟୁ ଦ ବେସ୍ 3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, 2 ହେବ, ବାସ୍। ଏଇଟା ଖାଲି କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ ଟିକିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ବୁଝାଉଛି, ଏଠି ଯେମିତି 4ର କ'ଣ ଅଛି, 2 to the power -2 ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମାଇନସ୍ ଫର୍ମରେ ଥିବ ତୁମେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ଫର୍ମକୁ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରିବ ନା, ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/16 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1/16, ଏଇଆ ଅଛି, ଏଇଆ ଏଠି ଅଛି। ଓକେ, ତା ମାନେ ତୁମର ଏଇ ନମ୍ବରଟା ସେପଟକୁ ଯିବ, ତାହେଲେ 4 to the power କେତେ ହେବ, 1/16, ତାହେଲେ ଲଗ୍ 1/16 ଟୁ ଦ ବେସ୍ 4 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, -2, ସିମ୍ପୁଲ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି 10, ଏଇଟା ତ ଛାଡ଼, 10ର 100 ଅଛି, ଏଇଟା ଆରାମସେ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ। ତାପରେ 10 to the power -3 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏତିକି ଅଛି। ଓକେ, ତାହେଲେ 10 to the power -3, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପଜିଟିଭ୍ ଫର୍ମ ଗଲେ କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କର, 1/ କେତେ ହେବ, 1000, ଏଇଆ ତ ନା, ଏଇଆ ନା ନାହିଁ, ଏଇଆ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଏଠି 0.001 ଅଛି। ତା ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ଏଠି 0.001 ନ ଲେଖିକି ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏତିକି ଲେଖିବି, ଇଏ ବି ସମାନ, ଇଏ ବି ତା ସହିତ ସମାନ, ତ ଏଠି ସେଇଆ ଲେଖା ଅଛି 10 to the power -3 ଏତିକି, ତାହେଲେ 10 ଏଠି ଲଗ୍ 0.001 ଟୁ ଦ ବେସ୍ 10 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ, -3 ହେବ। ଦେଖ, ଇଏ ହେଉଛି, ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ହେଇଗଲା, ଇଏ ହେଲା, ୟାକୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟରୁ କହିଛି ଲଗାରିଥମ୍ ଗୋଟେ ମେଥଡ୍ ବା ଟେକ୍ନିକ୍ ଗୋଟେ, ତୁମେ ଏ ଜିନିଷକୁ କଲାପରେ ଜିନିଷକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଯିବ, ମାନେ ଜାଣିଯିବ, ତ ମୋର ଏଥିରେ ନଲେଜ୍ ଆସିଯିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ହେଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି, 3ର ଆମର ରୁଟ୍ ଅଛି, 3ର ରୁଟ୍ର 2 to the power କେତେ ଅଛି, 6 ଅଛି। ଓକେ, ତା ମାନେ 27 ଅଛି, ତ ଏଠି ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି, ଏଠି ଖାଲି ତାକୁ ଲଗ୍ ଫର୍ମକୁ ତ କନଭର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ସେ ଆଉ ତ କିଛି ମାଗି ନାହିଁ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ମାଗି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ଖାଲି ଲେଖିବାର ଅଛି, ବାସ୍ ଖାଲି ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମକୁ ନେବାର ଅଛି। ତଳଟା କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇନ୍ ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମ, ଇଏ ବି ସେଇଆ, ଏଠି ବି ସେଇଆ ତୁମକୁ କରିବାର ଅଛି। ଏଠି 8 to the power 0 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖା ଅଛି, 1 ଲେଖା ଅଛି, ତାହେଲେ ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମକୁ ନେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏଇଆ ତ ଲେଖିବ, ଖାଲି କନଭର୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି। ଏଠି 6 to the power -1 ଅଛି, ବାସ୍ ଏଇଆ ଲେଖିବ ଖାଲି। ଏଠି ଦେଖ, ଏଠି ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି, 8ର ତୁମର ଅଛି କ'ଣ, କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, କଭର୍ ଅଛି। ଓକେ, କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ, 8 to the power ମାନେ ସରି, ଲଗ୍ 2 to the base 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଲେଖିବି, 1/3, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଇଟା 1/3। ଓକେ, ଯେଉଁଟା କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ସେଇଟା କ'ଣ ହୋଇଯିବ, 1/3କୁ ପଳାଇଯିବ, ତାହେଲେ 1/3। ଏଇଟା ତୁମେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଲରେଡ଼ି ତୁମେ କ୍ଲାସ୍ 8, 9, 10ରେ କ'ଣ କରୁଛ, ଏଇସବୁ ସ୍କୋୟାର ରୁଟ୍, କ୍ୟୁବ୍ ରୁଟ୍, ଏ ବିଷୟରେ ତୁମର କିଛି କିଛି ନଲେଜ୍ ଥିବ। ତ ଏଇଟା 2ଟା ଖାଲି ଏପଟକୁ ନେବାର ଅଛି, ଏତିକି ତ ପାଠ, ଏଇଟା ଉଠାଇଦେବା, ଏଠି କ'ଣ ହେବ, 1/3 ରହିବ, ତ ଲଗ୍ 2 base 8 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ, 1/3। ଏବେ ଜାଣିଯିବ ଏଇଟା କରିପାରିବ ଆରାମସେ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ'ଣ କହୁଛ, ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ଲଗାରିଥମ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି,
ताकु तुम जनरल फॉर्म को बा एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करिबो। ओके तले टी कोन अछि लॉग 32 टू द बेस 2 इज इक्वल टू केते अछि 5 अछि ता कन्वर्ट करिबो तुम कोन करियो किम कन्वर्ट करिबो ऑलरेडी तुम जानिछो ना एटा 2 टू एटा 5 टा कोन होबो एपुटु पळे आसीबो तले टी केते रखिबो 32 रखिबो एया त रहिबो एटा रहिला तापर एठी सेइ बळी कोन अछि लॉग 1/81 डिवाइड निसर गंत बेस 2 इज इक्वल टू केते अछि -4 तले टी कोन करियो आमे -4 रे अछि -4 रे अछि तले कोन होबो 1/81 एपुटे खाली रहिला ए बळी। ओके बस एया हिं तो करिवार अछि बस तापर कोन अछि एटी 2 टू द पावर नै सॉरी लॉग 16 टू द बेस होउछि √2। ओके तले टे कन्वर्ट करले कोन होबो एटी 8 अछि ना तो 8 टा पुरु पळे आसीबो 8 अछि ले एटा केते आइबो 16 लेखा जइबो एटी एथरी जिंस किछि करिवार नै से खाली कहै छि त मुकु एटा लॉगरिथम फार्मूला अछि तुमे तको एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट कर बस एया देन फाइंड द लॉगरिथम ऑफ लॉगरिथम ऑफ या देर लॉगरिथम टा बाहर करिया पई कहै छि लॉगरिथम बाहर करिया पई कहै छि ताले कोन कोन दे दिथिबो तुमको बेस दे दिथिबो डिजायर्ड वैल्यू दे दिथिबो। ओके बेस दे दिथिबो डिजायर्ड वैल्यू दे दिथिबो लॉग वैल्यू टा तुमको बाहर करिया रो अछि जेबोले एट दे छि देखो फर्स्ट क्वेश्चन रे कहै छि 64 टू द बेस 2 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू बाहर कर केते। ओके एया तो कहै छि आ कोन ताले 2 टू द पावर x इक्वल टू 64 एया ना लेट लॉग 2 लॉग 64 टू द बेस 2 इज इक्वल टू केते हबो x हमको x रे वैल्यू टा बाहर करिया रे अछि ना ताले 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 ताले 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 64 ताले 2 रो केते पावर हेले सेटा 64 सहित समान हबो। ओके 64 सहित समान हबो 6 2 मीन 2 टा को 6 टाइम जदी इनटू करिवा 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 इनटू 2 केते छ 2 दुने 4 दुने 8 दुने 16 दुने 32 दुने 64। ओके त असला केते 64 ताले 2 टू द पावर 6 2 टू द पावर 6 ताले x रे वैल्यू केते आसीबो 6 त एटी कोन होछ लॉगरिथम टा लॉग नंबर टा को त मु बाहर करिया रहछ आ कोन एया त कोन आमको डेजर्ट भैल्यूटा दे दी बेस भैल्यूटा दे दी लॉग नंबर टा बाहर करियार अच्छे। ओके गला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना तुमको कह ची कौन तुमको ये भी से एक्स भैल्यू बाहर करने पड़ो तो ये कौन कर 9 स्क्वायर हम सिंपल ना ये तो जना पड़गला छाड़पर ये 4 टू द पावर सॉरी लॉग 256 टू द बेस 4 इज इक्वल टू केते एक्स तेल के आसो तेल 4 रो केते पावर हेले तुम 250 सहित 6 सहित समान हम 4 इंटू 4 चार चौ षोल चौ चौष्टि चौष्टि चौ 256। ओके गला बाहरी गला तो बाहरी गला केते एक्स वैल्यू भरला केते 4 तापर एटे एटा देखो एटे कौन अच्छे लॉग 0.001 टू द बेस 10 अच्छे इज इक्वल टू एक्स ता माने 10 टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 0.001। ओके 001 ताले एटा केते एटा ताले वैल्यू हेथिबो निश्चित चिंता करो 10 टू द पावर -3 ता माने 10 टू द पावर -3 माने कोन 0 देखो कोन गुटे नंबर हेथिबो निश्चित चिंता करलो 0.001 जे सेटा का सहित समान 1 डिवाइडेड बाय 1000 सहित समान समान ना समान में तमने 1 डिवाइडेड बाय 1000 हेले से त एति के आसीबो ना तो मुको ए जिंस ए सब साधारण जिंस तुमे कोइबो सारे मु तो जानि पाए मु के जानिबी तो टा होची कोन ना धीरे धीरे तो मुको ए विषय नॉलेज आसी जेबो सेति पाए टेंशन नबा किछ जरूरी नै आमे भी जेतले करूथलु आ मुको भी से बले फील होतला। ओके देन नेक्स्ट एडी 243 अछि तले ता 7 ता केते 5 आसीबो। ओके 5 आसीबो 3 टू द पावर एक्स 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 243 ये जिनसा तुमको कौन तुमको सर मुझे एकाले जानवे कमी तुम चेष्टा कर रफ रे कैलकुलेशन करवाई के हम 3 इंटु 3 इंटु 3 के 3 3 न 3 27 तापर 3 हम तापर इंटु 3 हम यह तुम करके तुम जानवन के 3 रो के पावर है 243 सहित सामान हम। ओके तो ये सब साधारण जिनस धीरे धीरे आसीज तुमको तापर नेक्स्ट को जो नंबर अच्छी देख ये कहि ये दुटा जाक डेसिमल अच्छे पॉइंट लॉग 0.1 बेस केते अछि 0.01 इज इक्वल टू केते एक्स
ताले एक्स टा एपट को आसे कौन हम पॉइंट जीरो वन टू दि पावर एक्स इज इक्वल टू के पॉइंट वन एक तुम ये रखिपार शेष पर्यटन भी जी मानने काढ़ काढ़ शेष पर्यटन ओके तापर कौन हम तापर तुम एति भैल्यू यू जी आम स्क्वायर करदे स्क्वायर करदे मैंने कौन कह मुझ रुट ओवर देदेली ना रुट ओवर देते कौन हम स्क्वायर देदेवि जितने रुट उठ स्क्वायर भी उठी ओके एका कथा से किसी प्रॉब्लम ना तो कौन अच्छी से कौन कर रुट्र ये स्क्वायर रुट्र मानने रुट रुट देदेला रुट्र ये के पॉइंट वन स्क्वायर भी देदेला तेल इजिक्वल टू एत भी रोक तेल ये जी आम कौन करवा यार भैल्यूटा के हम वन बै टू वन बै टू पॉइंट जीरो वन टू दि पावर के हम वन बै सरी कहते पॉइंट जीरो वन टू दि दि पावर वन बै टू वन बै टू सहित सामान रुट्र भैल्यू के वन बै टू ना तो टू दि पावर वन बै टू रहा वन बै टू रहा तेणुक ये हूँ तार भैल्यू के वन बै टू ओके एक्स रैल्यू के आसो वन बै टू तो धीरे 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 क्वेश्चन को सब गोटे गोटे करमें जीव तुम काम है या देखिक कर कि असुविधा ना कि असुविधा ना डिटरमाइन द वैल्यू लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग तो या द्वारा लॉगरिथम रो वैल्यू बाहर करने कहे डिटरमाइन द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग ये भी सही है ये तो वैल्यू बाहर करने कहे फास्ट में जमी दे देख देख ये जिनस कैलकुलेसन कर जानवर अच्छे फास्ट ये कहे कौन लग 784 टू द बेस एत इजिक्वल टू के आम एक्स ने लेट तो या धरिया ना एति तो इजिक्वल टू एक्स चिंता कर एतिक है बेस्टा इजिक्वल टू के 784 टू दि पावर एक्स इजिक्वल टू के 784 तेल 784 टाक आम टे स्मल करदे केमी स्मल करवा 16 इंटू 49 कहीं 16 इंटू 49 कली देख ये टू लेखा अच्छी ये अच्छे रुट सेवेन अच्छी तेल सेवेन है मान 49 मुझे आईपाई देख तुम्हें कह सारे मुझे केमी जानवी तुम्हें एका बेले जाणीजन के जड़े भी जापरि के भी जापर एका बेले तुम्हें को करा पर कतेटा क्वेश्चन से आईडिया तुम आसो हाँ ये जिनसा ये प्रोसेस सल्व हो पार ओके देखो नहीं कि तुम्हें भावन जो यहाँ तो मुझे जापर मुझे करी क्वेश्चन कतेटा कले जाणीज आईडिया आसीज जे ये प्रोसेस टाइप प्रॉब्लम सल्व होती कौन करवा आम 784 को आम आने स्मल कर लिखले कौन लिखिपर 16 × 49 16 इंटू 49 जे सी हूँ ताको आहरी आम लिखे कौन लिखे टू टू दि पावर 4 जे सी 16 नुहे कि इंटू 7 रो स्क्वायर जे सी 49 नुहे कि सी भी तो सी 49 ताको ये आम लिखिपर कहीं लिखले ना देख ताल टू टू दि पावर 4 तापर आम कथी आसला 7 रो स्क्वायर तेल एवं आम कौन लिखिपर ये लिखिपर ना टू 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 रुट टू 7 होल रे टू दि पावर एक्स अच्छी तेल यहाँ इक्वाल कले यहाँ के कौन हम ये जिनसटा को जी मुझे लिखिपरि ना टू इंटु रुट टू 7 जो दुटा जाकर पावर 4 था गोटे कमन कर 4 लिखिपरि ना लिखिपर लिखिपरि तेल ये एक्स रैल्यूटा के एक्स रैल्यू 4 होगा तेल एति जिकल एति हम ना तो एक्स रैल्यू के 4 हम बुझे ता माने ये जहाँ अच्छी आगे से ही फॉर्म को आने चेष्टा कर ऑटोमेटिक ता पावर वैल्यूटा तुमको मिले जीवो पावर वैल्यूटा आसीज ओके ये टू इंटू रुट 7 अच्छी तुम्हें चेष्टा कर ये नंबर को कन्वर्ट करके कौड़ नापी टू इंटू रुट 7 फॉर्म को नबार अच्छी ना तार पावर वैल्यूटा कौन हम तुमको मिल जाव ओके गला नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी एतिक अच्छी यहाँ सहज अच्छी ताठू टी सहज अच्छी ओके टू लग 1/32 टू द बेस टू अच्छी ओके यहाँ तो लिखा अच्छे से कौन करवा आम तेल एतिक वैल्यू इजिक्वल टू के एक्स नहीं गले लेट धरने आम तापर टू टू दि पावर एक्स इजिक्वल टू के 1/32 तेल 1/32 जीए से कुमें लिखिपर ना 1/2 टू दि पावर 5 भी सी 1/2 टू दि पावर 5 भी सी कहीं टू टाक 5 टाइम्स इंटू कले सी 32 हम तेल आम ए डायरेक्ट नहीं जावा ना टू टू दि पावर -5 आम जी जो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर होगी फ्राक्शन फर्म आम जी मैंने उठेदबा से कौन करवा उपर को नहीं जावा कौन हम टू टू दि पावर -5 माइनस फर्म से लिखेद पजिट फर्म थी नेगेट फर्म लिखेदे माइनस फर्म लिखले कौन हो लग अफ
वन बाय थर्टी टू इज बेस टू इज के आसो बेस टू अच्छे ना इज इक्वल टू के आसो माइनस फाइव सिंपल एति तो आमको मागी से ओके एति आमको मागी के आसला माइनस फाइव तो यह कौन कर सल्व कर गोटे बड़ नंबर दे आगे छोट कर कौ फर्म को आने थ्री इंटु रुट थ्री फर्म को नापी तेल ये मुझे कौन कली फास्ट करदे थ्री टू दि पावर नाइन थ्री टू दि पावर नाइन जे सी हूँ एति तार भैल्यू तापर ताकू पुणी कौन करदेला ना थ्री टू दि पावर सिक्स आउ गोटे करदेला कौन थ्री टू दि पावर थ्री ताने थ्री सिक्स प्लस थ्री है नाइन है एका कथ है एका कथ है एवं कौन कला थ्री थ्री टू दि पावर सिक्स तापर रुट थ्री टू दि पावर सिक्स ओके तो ये रुट थ्री कहीं लिखला कह या तो थ्री रही ना थ्री टू दि पावर थ्री थी कि गोटे फर्म को नापी से कौन करदे थ्री की रुट थ्री करदेला थ्री की रुट थ्री करदे कौन हो सिक्स जी तार पावरटा डबल इंटू करदे से टाइम से बढ़ेदेला ओके कहीं देख मन कर मुझे खाली लिखी ये कैसे लिखी थी थ्री टू दि पावर थ्री थ्री टू दि पावर थ्री रैल्यू जी मुझे एमती भी लिखले से थ्री टू दि पावर मैंने रुट थ्री रू दि पावर सिक्स करदे से भैल्यू मैंने इक्वाल भैल्यू सामान भैल्यू कहीं रुट मैंने हाफ रुट मैंने के हाफ होटा ओके रुट मैंने से कौन हाफ ओके तो ये कौन तेल थ्री टू टू पावर थ्री इंटू रुट थ्री टू पावर एक्स इज इक्वाल टू तो भैल्यू बाहरी गला सिक्स आम जाणीगले तो ये यही प्रोसेस चेष्टा कर सल्व करने ओके एमती बहुत सारे क्वेश्चन्स बहुत सारे क्वेश्चन्स तो परटा अच्छे के लग वन टू फाइव टू द बेस बेस रुट फाइव देखिए कनवर्ट कर कनवर्ट कर डिटो सेम प्रोसेस इजिक्वल टू एक्स नहीं गल तापर 125 आसला आ 125 जे ताको आम ये लिखिपर ना 125 जे फाइव फाइव रेत सीए फाइव टू दि पावर थ्री सीए आ फाइव टू दि पावर थ्री जे फाइव रि मुझ रुट ओवर करदेवि तुटा के करदे थ्री इंटू टू करदे सिक्स करदेवि ना तो ये सी तो लिखी दे तो ये भैल्यू भी सी सिक्स ही आसो ओके सहजटा तापर जिते सब क्वेश्चन देखिए तुम्हें आराम से किसी असुविधा ना ये आराम से कर मागी कौन सी मागी था तुम्हें तो खाली सल्व कर डिटरमाइन द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग जितेटा क्वेश्चन देखिए सब सेम सब देख सेम सब जगह पर सेम खाली तुमको ओरिजिनल वैल्यू जी अच्छी जो जगह पर जमी बेस अच्छी से फॉर्म को कन्वर्ट करने चेष्टा कर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स ओके ये एक्स वैल्यूटा मागी तुम बाहर करने मैंने सब थे क्वेश्चन एक्स वैल्यूटा देना ओके मैंने लॉग नंबरटा दे एक्स वैल्यूटा बाहर करने कौन हम तेज़ लॉग एक्स बेस 16 इज इक्वल टू 2.5 बेस 16 इज इक्वल टू 2.5 आम जो सॉल्व करवा कौन लिखा एतिक इज इक्वल टू एक्स लिखा पुणी से तापर पुणी कन्वर्ट कले कौन ये 16 लेखा अच्छे मुझे आउ छोट कर दे पार टू टू दि पावर फोर इज इक्वल टू के लिखिपर 2.5 एका कथा ना एका कथा नुह एक वैल्यू जो एक वैल्यू सहित सामान तेल एटा को कौन करदे आम 2.5 इंटू फोर है 10 हो टू टू दि पावर 10 इज इक्वल टू कौन है एक्स तेल एक्स रैल्यू के आसला 10 आसला कौन बुझे ते सरी मुझे सरी आमको ये मागी ना एक्स रैल्यूटा बाहर करने कही ना तो 1024 होता ओके 10 टू टू दि पावर 10 ना टू टू दि पावर 10 जे सी 1024 भी सी ओके तो एतिक वैल्यू के मैंने एक्स रैल्यू के 1024 तापर तल क्वेश्चन टा कौन कही एक्स फोर एति लिखी तेज़ एक्स रैल्यूटा के लग एक्स बेस थ्री इज इक्वल टू फोर तेल थ्री टू दि पावर फोर इज इक्वल टू एक्स थ्री टू दि पावर फोर इज इक्वल टू एक्स तेज़ एक्स रैल्यू के 81 हम कौन सरला एक्स रैल्यू के 81 बस यही कर सल्व कर सब जिनस को तुम्हें निजे निजे दरकार मुझ सब जिन गुटे गुट बुझेले तुम भी किसी फायदा मिले तापर तल क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन टा कौन कही फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस ऊपर हेटी एक्स मागुला तापर तुम लॉग नंबर मागुला तार ये कौन मागी से ये मागी तुम्हें बेसटा बाहर कर क्वेश्चन बेस देना सब थे टी डिफरेन्ट प्रोसेस ए बेस ही देना मुझे गोटे क्वेश्चन फास्टा डिस्कसन करवा देख फास्ट रे कौन देना बेस देना ना बेस देना देख ये बेस देना तुमको मागी बेस फाइंड द वैल्यू ऑफ द बेस व्वेन एतिकर वैल्यू
एतिक रो वैल्यू इज इक्वल टू एतिक देछि कौन करिवा आमे केमिति को प्रोसेस रे बेस बाहर करिवा ना एतिक रो वैल्यू एतिक देछि तो क्वेश्चन रे मु जणा आछि ओके एतिक रो वैल्यू देछि तापर कौन करिवा ए टू डी पावर 1 केते 1 बाय 6 इज इक्वल टू केते हबो रूट टू रूट टू तापर ए इज इक्वल टू केते हबो ताले ए इज इक्वल टू रूट टू टू दि पावर 6 टू टू दि पावर 6 ओके टू टू दि पावर 6 एटी बेस ही मागिचे मु खाली बेस मागिथिल तुम ए प्रोसेस रे को सॉल्व करिवो एटी कोन हेजिवो एटा ए जो रूट टू थिला ना तार एटा एपोटा 6 टा गले सेपट कोन हेजिवो तार पावर हेजिवो एटा 1 बाय 6 फॉर्मूला अछि तो पावर हे गेला तो एटी कोन हेजिवो 6 हे गेला ताले 2 टू दि पावर 3 एटा रूट टू उठे दबा आबे रूट टू उठेले कते हेजिवो 2 टू दि पावर 3 2 टू दि पावर 3 माने रूट टू उठेले एटी कोन हेजिवो एटा हाफ हेजिवो ना तो ये कहते आसो टू टू दि पावर 3 रूट टू उठला मैंने तुम पावर भी हाफ हो पावर भी हाफ हो मैंने तेल ये आसला टू टू दि पावर 3 तेल टू टू दि पावर 3 जी से इक्वाल 8 सहित सामान तेल बेस है तुम 8 द भैल्यू अफ द बेस ए इज इक्वल टू के 8 आसो ओके गलापर ये ये तुमको ए ए रैल्यूटा मागिच बाहर करने तुम आराम से कर ए रैल्यूटा मागिच आराम से करहब डिटो सेम प्रोसेस तो एतिक इज इक्वल टू 729 तापर 729 रो कौन करदे फोर्थ रूट बाहर करदे फोर्थ रूट बाहर करने तुम एक छोट करदेव 81 करदे आईटा के 9 करदे तेल 81 रो फोर्थ रूट के 81 रो फोर्थ रूट हूँ 3 ओके फोर्थ 81 ना 81 रो फोर्थ रूट बाहर कर फोर्थ रूट तो यह देख ये कौन करदे से तेल 3 टू दि पावर 4 जी से 81 3 हाँ यहाँ फोर थिला पर पूरे फोर्थ रूट बाहर जी फोर्थ 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 उपरे अच्छी ना फोर कौन कर तो ये कौन करवा आम तो 81 इंटु 9 81 इंटु 9 तेल आम नेक्स्ट कौन लिखा ना ए इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू एटा कौन लिखला आसे ना 3 इंटू कौन लिखे 9 थ्रू फोर्थ रूट 9 रो फोर्थ रूट ओके एटा कटिगला ना एटा 81 रो फोर्थ रूट तो बाहरी गला केते आसिबो 81 रो फोर्थ रूट जे 3 के 3 टू दि पावर 4 जे से 81 नुए कि तो बाहरी गला तार स्क्वायर रूट दुटा जाक उठीगला कि 9 तो छेड़ूनी ना तो 9 रो फोर्थ रूट आम यदि डेसिमल पलि आस तो आम कौन कले से फर्मुले रखिले ओके से फर्मुले एटा आम भाग भाग करदे एटा देखा जमी 81 रो फोर्थ रूट बाहर कले आ 9 रो फोर्थ रूट ओके एक कथ नुह अलग अलग करदे अलग अलग करदे भी सीधा से लिखा 3 इंटू कौन लिखा 9 रो फोर्थ रूट तेल ए इज इक्वल टू कौन हम एज इक्वल टू एज इक्वल टू आहरी छोट करदे 3 रो स्क्वायर तार फोर्थ रूट तेल ये स्क्वायर उठीगले पटे फोर्थ रूट थिला ना तेल ये कौन रहा 3 इंटू रुट 3 3 इंटू रुट रुट 3 2 उठीगला मैंने टोटाल पर 4 थिला तेल ये 2 स्क्वायर उठेदे तो ये कौन हम हाफ होटा तेल खाली रुट 2 रोब खाली खाली रुट 3 रोब ओके तो ये जिनस टिके मैंने बेस मागिथिले टिके कम्प्लेक्स हो फिर भी तुम्हें चेष्टा करवाई गला एतिकटा क्वेश्चन टोटाल पर इलुस्ट्रेसन थिला मु तुमको डिस्कसन कली देख लगारदिमी को तुम जिते थर एक जिनस को बुझापी चेष्टा कर लगारदिमी टिके फास्ट रु टे लॉजिकल फील हम तुमको किंतु धीरे धीरे जिते टे बारंबार देख प्रॉब्लम किसी कर इजी सत कह लगारदिमी इजी डायरेक्ट ये जे भाई देखिए क्वेश्चन एक्चुअली प्रॉब्लम सब यही टाइप रही प्रॉब्लम टी अलग टाइप लॉग लॉग नंबर बाहर करा पड़ो तुमको ओके ये जो टाइप क्वेश्चन देखिए सब यही टाइप रही तुम जो आग को पढ़व देख तुम रोचे कंपाउंड इंटरेस्ट अच्छी एन्युइटीज अच्छी किंबा हूँ तुम ट्वेल्थ तुम जियोमेट्रिक मीन अच्छी जियोमेट्रिक मीन रे भी आम अप्लाई करके तो सेते बेले तुमको यही सब जिनस को लेकिन यही भाई क्वेश्चन सब रही खाली नंबर दे थोड़ी से तुमको लॉग वैल्यूटा बाहर करने से बहुत किसी ना से अच्छी लास्ट को अच्छी अच्छी लास्ट को अच्छी तो मुझे बुझेबी से तो से बहुत इजी से फास्ट रु तुम गोटे दुटा चैप्टर
माने गुटे दुटा माने एक्सरसाइज फास्ट एक्सरसाइजा मेनली फास्ट एक्सरसाइजा टिके हूँ माने ये टाइप रो क्वेश्चन रहिबो जोटा कि तुमको टी कन्फ्यूजन फिल हे फास्ट फास्ट तुम पढ़ु ना तुमको टी कन्फ्यूजन फिल हे कि सत्य कह इजी तुम देख जो क्वेश्चन कर ओके आउ वीडियो को लाइक कर शेयर कर कमेंट कर जदि किसी इश्यू थी तेल कमेंट बॉक्स रे मेंशन कर थैंक यू।